कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में है और दक्षिण अफ्रीका में वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत समेत कई देश सतर्क हो गए हैं। लेकिन एक तरफ वायरस का खतरा है तो दूसरी ओर इसे लेकर एक राहत भरी खबर भी आई है। उम्मीद लगाई जा रही कि वायरस की वजह से दुनिया में बढ़ रही सख्ती के चलते देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर वायरस के खौफ से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं और इसी बुनियाद पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 दिसंबर से जारी होने वाले नए रेट में कटौती की जा सकती है। ग्लोबल मार्केट में भी कीमतों में कमी आई है और भारत में भी अब कमर्शियल के साथ साथ घरेलू LPG सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया है कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया के सभी देश अलर्ट हो गए हैं। इसके चलते फिर से हवाई सेवाओं पर पाबंदी और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट पर भी इसका असर देखा जा रहा है और कच्चे तेल के दाम 12% गिरकर $72 प्रति बैरल पर आ गए हैं। वैश्विक पाबंदियों का होगा असर। अगर भविष्य में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर और बढ़ता है तो दुनिया भर में पाबंदियां भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही कच्चे तेल की मांग पर भी इसका असर पड़ेगा और वो कम हो जाएगी। साथ ही 2 दिसंबर को प्रस्तावित ओपेक देशों की बैठक में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम हो जाएगी। इससे कीमतों में गिराव आना तय है। कच्चे तेल के दाम अगर $72 प्रति बैरल भी रहते हैं तो देश में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने बताया है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक कमी आई है, लेकिन घरेलू मार्केट में इतनी गिरावट की उम्मीद कम ही है। तेल कंपनियां 5-7% की कमी आने पर 15 दिन के भीतर साइकिल पूरा कर सकती हैं। अगर 5% भी कमी आती है तो पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 5 रुपए तक गिर सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।